हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? फिर और अभी मैं क्या कर रही हूँ पता है? अभी मैं अपनी जो चूड़ियाँ वगैरह होती हैं उनको मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ कि ये सब जो बिखरा पड़ा है मैं उन सबको भी एक कार्टन में ही पैक कर रही थी। ये देखिए, दिख रहा है? एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये चूड़ियों का सेट। ये वाली चूड़ियों का सेट ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ये वाला जो कलर है ना, ये पिंक कलर, ये मुझे बहुत 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 पसंद है। और पता है मैं लिपस्टिक भी इसी कलर की लगाती हूँ। कोई भी कपड़ा पहनूँ मुझे रेड लिपस्टिक्स नहीं पसंद, मैं यही कलर। तो ये जो चूड़ियों का सेट है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी एकदम नई साड़ी है मेरी, एकदम न्यू बनारसी साड़ी है, जो बनारस छोड़ने से पहले मैंने इसको ली थी, तो ये उसका सेट है। तो मैं आपको वो साड़ी दिखाऊंगी और ये कैसा लग रहा है ये आप ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, ठीक है? और उधर मैंने अपने ये एक सूटकेस को मैंने ऐसे कवर करके रखा है नीचे, उस पर अपने ये जो डेली वाले ब्लैंकेट होते हैं ना उसको मैं ऐसे करके रोल करके फोल्ड करके रख देती हूँ ताकि उस पर सेट हो जाए। तो ये जो है, ये मेरी जो चूड़ियाँ हैं, ठीक है, ये मैंने रख दिया। और सावन के लिए मैंने ये पूरा सेट निकाला था, मैंने ये पहना था एक साड़ी के साथ। वो थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई है, चूड़ियाँ सही नहीं है। ये मैंने एक साड़ी के साथ पहना था। ये जो है ना, ये ग्रीन ये इधर था, ये इधर हो गया है। तो मतलब ये इस साइड का है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये ऐसे है, ऐसे है, और ऐसे ही मतलब दो हाथ का है। तो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, ठीक है? चलिए अब मैं चूड़ियाँ आपको अपनी बाद में दिखाऊंगी। अभी तो मैंने ये दो बाहर पड़ी हुई थी और मुझे मन कर रहा था कि मैं आपको दिखा दूँ, तो मैंने दिखा दिया। अब मैं अपनी इयररिंग्स आपको दिखाती हूँ। और इयररिंग्स को मैं अपने एक ऐसा डब्बा है, ये देखिए टच स्टोन का डब्बा है, ये होम शॉप 18 से मैंने मंगाया था बहुत पहले। इसमें कुछ ज्वेलरी आई थी, देखो। ये अभी मैं आपको अपनी इयररिंग्स दिखाती हूँ। तो ये है मेरी इयररिंग्स, तो ये दिखाती हूँ पहले मैं आपको। ये एक इयररिंग है, ये इसमें है। इसको मैंने और सब मैंने निकाला, इसको निकालना भूल गई मैं, एक मिनट। हाँ, तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह की इयररिंग है, ये मिरर वाली। और इसमें मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ? ऐसी ही मिरर वाली एक और इयररिंग थी मेरे पास, जिसमें नीचे झुमके थे, वो मैंने किसी को दे दी। मतलब वो उन्हें बहुत अच्छी लगी तो वो मैंने उन्हें दे दी। और ये देखिए, ये पेयर है, ये मेरे भाई ने मुझे दी थी। और इसमें आपको, आप जो इयररिंग्स देखते जाएंगे ना, उसमें एक या दो इयररिंग्स ही ऐसी होंगी जो मैंने खुद से परचेस करी हैं। नहीं तो सबको पता है कि मुझे इयररिंग्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो वो सब ना मुझे ऐसे इयररिंग्स खरीद के, जैसे कोई कहीं गया उसको कुछ इयररिंग अच्छी लगी तो मेरे लिए ज़रूर ले लेता है। और वो सारी इयररिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये देखिए, ये ब्लैक कलर का झुमका, मुझे झुमके स्पेशली मुझे झुमके बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ये देखिए, ये जो झुमका है ये ब्लैक गोल्डन, तो ये मेरी दीदी ने दिया है। चलिए तो और अगले इयररिंग की तरफ बढ़ते हैं। और ये एक ये इयररिंग है जो पिंक कलर की इयररिंग है, इसमें ये ना पिंक कलर के बीट्स हैं। आगे दिखाती हूँ, एक ये इयररिंग है झुमका, अगेन झुमका। इसी बॉक्स में मैं अपने सारी इयररिंग्स करती हूँ, ये होल मैंने बना के रखे हैं, इसी में सबको हैंग करके और ऐसे पिन करके, मतलब जैसे वाले हैं मैं ऐसे करके रख देती हूँ, ठीक है। और एक ये झुमका, ये इयररिंग मैंने खुद से ख़रीदी थी और मैंने इसे एक या दो बार पहना है। तो ये वाली इयररिंग मैंने खुद से ख़रीदी थी। एक दो मिलेंगे इसमें जो मैंने खुद से भी परचेस करी हुई है, मतलब खुद से भी ख़रीदा हुआ है, और नहीं तो ज़्यादातर मुझे मिली हुई ही हैं। और ये एक ये वाली इयररिंग है, ये देखिए, ये जो ट्रेडिशनल टाइप की है थोड़ी, ये भी मैंने ख़रीदी थी और ये भी मुझे गिफ्ट मिली हुई है। ये वाली इयररिंग, ये भी झुमका है और ये इसका पेयर है। और एक ये झुमकी है, इसमें ये रेड कलर की बीट्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छी थी, ये भी मुझे मेरी दीदी ने गिफ्ट किए हैं। और ये वाले, ये भी मुझे मेरी दीदी ने गिफ्ट किए, चांद बालियां कहते हैं ना इसको, ये भी बहुत प्यारा, अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है। मैं इस टाइप के जो ये हुक वाले होते हैं ना, ये और ये सब मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। और एक ये इयररिंग है, ये जब मैं गुजरात में रहती थी और मैं वहाँ से आ रही थी जब, तो मेरी एक ने पड़ोसी ने मुझे ये गिफ्ट किया था। उन्हें ही पता था मुझे इयररिंग बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। और ये वाला भी मैंने गुजरात से लिया था।
और ये इयररिंग, ये मुझे मेरी छोटी बहन ने गिफ्ट किया है। और एक ये देखिए प्यारा सा, ये पीकॉक वाला ना, ये बहुत प्यारा है, ये मेरा फेवरेट है। कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, हाँ तो ये वाला देखिए, ये वाला ना मेरा फेवरेट है, ये झुमका, ये बहुत प्यारा लगता है। और वेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, ये इसकी खासियत है, ये तो मेरा कान पक जाता है। तो ये वाला मैंने खुद से ख़रीदा है, ये मैंने बनारस से लिया था, बनारस में कहाँ से, गुदौलिया से, हाँ। और ये इसको क्या कहते हैं, इस स्टाइल के झुमके को पता नहीं, शायद चांद बाली कहते हैं या ब्रिज बाली कहते हैं, पता नहीं। तो ये वाला भी मैंने एक ठे लिया है, हालांकि अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है, बस ये लटका दिखा, अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया है। और एक ये इयररिंग है, जो मुझे इस कलर की एक ड्रेस मैंने ली थी और मुझे उसका इयररिंग चाहिए था, होली का समय था तो ये मैंने लिया था। मुझे हालांकि ये उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, बट ये कपड़े का मैच कर रहा था कपड़े के साथ, तो ये मैंने लिया था, क्योंकि मैं पहनूँ ना पहनूँ, मुझे एक नशा कह सकते हैं आप, कि कपड़ों के मैचिंग का इयररिंग का नशा है मुझे, ये कह सकते हैं आप। और ये देखिए अभी इसमें से एक पिन निकली थी जो यहीं पड़ी हुई है, और ये धागे हैं कुछ इस इयररिंग के। तो इधर की सारी इयररिंग्स मैंने दिखा दी आपको। और एक ये इयररिंग आप देख रहे हैं, ये एडी की इयररिंग जो होती हैं, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, ये देखिए ये एडी वाली इयररिंग्स जो होती हैं वो है। तो ये इयररिंग भी मैंने बस ले के रखी हुई है, कभी कभार ही पहनती हूँ, क्योंकि ये वाले ना मैं नहीं पहन पाती, मेरा कान दबता है पीछे तो और पक जाता है, दर्द होता है। इसको मैं लगा दूँ इसकी जगह पर, लग गया। और ये इयररिंग, ये वाला इयररिंग जो है ना, ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है, ये थोड़ा सा वो जो ब्लैक मेटल टाइप का होता है उस टाइप का, और इसमें ये जो देख रहे हैं ना, पूरे छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, और रात के समय ना ये बहुत अच्छा शाइन करता है। आई थिंक यहाँ से दिखेगा, ये रात के समय ना बहुत अच्छा शाइन करता है। और ये मुझे मेरी बेटी ने गिफ्ट किया है। और एक ये वाले येलो कलर, येलो कलर मेरा फेवरेट कलर है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ये प्यारा सा रेड कलर का बटरफ्लाई, और ये वाइट कलर का ऐसे जो है ना ये गिर रहा है, मैं इसको सेट करूँगी ना दिखा के सब कुछ। ये वाइट कलर का ये भी मैंने ले लिया था, मुझे अच्छा लगा, ये पूरी ऐसी मोतियाँ लगी हुई और ये ड्रॉप वाला है, तो ये मैंने लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। और ये अगेन ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, ये भी इयररिंग, ये एक्चुअली सिर्फ इयररिंग नहीं है, इसका नेक पीस है पूरा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसको मैं साड़ियों वगैरह पे ही पहनती हूँ, सूट वगैरह मैं अक्सर बंद गले के पहनती हूँ, तो उस पर नेक पीस का कोई मतलब काम नहीं होता, तो ये साड़ियाँ वगैरह पे ही मैं इसको पेयर करती हूँ, और ये बहुत सुंदर लगता है। तो ये वाली इयररिंग जो है ना, ये इसकी है। और उसके बाद ये एक झुमकी है ब्लू और वाइट कलर में। यहीं एक मैंने अभी इयररिंग और ख़रीदा, वो मैं अभी ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं, मैंने अभी कुछ दिन पहले उसको पहना था और कहीं रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा है, तो जब मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगी। बस ये ब्लू बीड्स की जगह वहाँ पे मरून कलर के बीड्स हैं, क्योंकि मैंने मरून ड्रेस के लिए लिया है, मरून और वाइट ड्रेस के लिए, मतलब मरून गोल्डन ड्रेस के लिए। और एक ये अगेन ये ब्लैक कलर की इयररिंग, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हालाँकि मैं इसको पहनती बहुत ज़्यादा कम हूँ, क्योंकि ये देखिए कोई कितना पहनेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरा पता है बहुत दिन से मन हो रहा था कि मैं आपको अपना इयररिंग कलेक्शन दिखाऊं, इयररिंग कलेक्शन दिखाऊं, तो फाइनली आज मैंने दिखा दिया। और एक ये देखिए ये वाली इयररिंग, ये मैंने ख़रीदी है, कैसी है, अच्छी लग रही है ना। और ये लगाती हूँ, तो ये इयररिंग मैंने बनारस से ख़रीदा था, और ये इयररिंग एक्चुअली मेरी बेटी के डांस फंक्शन के लिए ख़रीदना था, और मैंने रिसेंटली उसका कान छिदवाया था, और मैं बेवकूफ़, मुझे समझ में नहीं आया इतना वो पहनेगी कैसे, खैर मैंने ख़रीदा था और ये मेरे काम आ रहा है। और ये बड़े वाले इयररिंग्स, ये देखिए ये ब्लू, ये बहुत प्यारा लगता है पहनने पर, है थोड़ा बड़ा पर पहनने पर बहुत प्यारा लगता है, थोड़ा सा जो फ्यूज़न टाइप के ड्रेसेस होते हैं ना उनके साथ ये बहुत अच्छा चलता है, गिर जा रहा है बार बार, कैसा लग रहा है बताइएगा।
ये भी मुझे मेरी दीदी ने गिफ्ट किया है। और ये जो मैं येलो ईयरिंग के बारे में बता रही थी, झुमकी वाले, वो मिल गए थे, ये देखिए येलो। और ये जो छोटे छोटे ये टॉप्स की तरह दिख रहे हैं, ये भी ईयरिंग्स हैं। तो मैं टॉप्स वगैरह उतना पहनती नहीं, बट रखा है मैंने, कभी देखते हैं। और एक ये भी टॉप्स हैं, ये भी मैंने रखा है। ये जो मैं आपको बता रही थी ना कि ये जो ज्वेलरी का ये पूरा सेट आया था, ये जो डब्बा है वो इसी में था। और कुछ ये भी मुझे मेरी दीदी ने पूरा गिफ्ट किया था, क्योंकि पूरा ईयरिंग्स का सेट था, तब ऐसी ईयरिंग्स थी। तो ये भी ये मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था, क्योंकि इसमें पूरा ईयरिंग्स था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना बेस्ट ईयरिंग, ये देखिए। ये ट्रेडिशनल ईयरिंग है पूरा, ये झुमका, और ये बहुत प्यारा लगता है मुझे बहुत। तो ये था मेरा ईयरिंग कलेक्शन जो अभी फ़िलहाल में मेरे पास है। और एक मैंने बताया ना, वो मिल नहीं रहा है, मैंने कहीं तो रख दिया है उसको। और क्योंकि मैंने अभी पहना था उसको कुछ दिन पहले, तो मैंने उसको कहीं रख दिया है। मुझे ईयरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत बहुत बहुत, मतलब बहुत पसंद है। हालांकि उतने नहीं है मेरे पास जितना मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आई थिंक उतने नहीं होंगे आप लोगों के हिसाब से, पर मेरे पास मेरे हिसाब से है। क्योंकि मुझे जो जो कलर चाहिए ना, ऐसा नहीं है मतलब कि ऐसा कि कुछ भी उठा लिया, जो कलर चाहिए कि हाँ ये ड्रेस के साथ पेयर हो रहा है। तो वैसे तो हम तीज त्यौहार पे क्या होता है कि जनरली गोल्ड डालते हैं, और क्योंकि ये डालो ना तो मम्मी लोग बहुत डांटती हैं, मेरी मम्मी बहुत चिल्लाती है, बहुत डांटती हैं। तो चलिए, ये था मेरा ईयरिंग कलेक्शन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अगर आप लोगों को मेरी ईयरिंग्स अच्छी लगी होंगी, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और मैं अच्छी लगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कौन सी ईयरिंग अच्छी लगी, वो ज़रूर बताइएगा आप लोग मुझे। जो आपको अच्छी लगेगी वो मैं ज़्यादा पहना करूँगी, तो वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस फिर मैं मिलूँगी अपने अगले वीडियो में।